हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों के साथ एक वीडियो जो शेयर करने जा रही हूँ वो एबकस से रिलेटेड है। एबकस एक ऐसा वर्ड है जिससे हर कोई वाकिफ है, सब कोई नोन है। एबकस इज़ अ टूल टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पर एबकस लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। और इस एबकस मैथ्स में हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये सब करते हैं बाय विजुअलाइजिंग। विजुअलाइजिंग मतलब कि यहाँ पर हम लोग पेन पेपर लेकर के हम लोग यहाँ पर एडिशन नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, ना ही मल्टीप्लाई करेंगे, ना ही डिवाइड करेंगे। ये विजुअलाइज करके इन योर माइंड वी विल सॉल्व द आंसर। माइंड में ही हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। तो ये जो पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल होता है थ्रू एबकस। तो एबकस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू लर्न टू फोकस थ्रू प्रैक्टिसिंग मेंटल कैलकुलेशन यूजिंग एबकस टूल। मतलब इसका मेन फोकस यही है कि हम लोग प्रैक्टिस करें मेंटल कैलकुलेशन का इस एबकस टूल को यूज़ करके। इसमें आपका जो है प्रॉपर, जो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, इसका रिक्वायरमेंट यही है कि आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक दिन, कम से कम 15 मिनट डेली। यहाँ आपको से मतलब है कि आपके बच्चे को, आपका बच्चा जब एबकस सीखेगा उसको डेली 15 मिनट्स यहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है कि आप ऑनलाइन भी एबकस सीख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ 5 से 14 साल के बच्चे को ही यहाँ पर एक ग्रुप में रखा गया है। ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है और इस कोर्स में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, साथ ही साथ यहाँ पर ऑनलाइन कंपटीशन होता है ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ जो सॉफ्टवेयर जो क्रिएट किया गया है ऑनलाइन एबकस क्लासेस के लिए, उसमें बच्चे क्या क्या करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्लैश एक्सरसाइजेस, जिसमें हमारा क्लासवर्क भी आता है और होमवर्क भी आता है। उसके बाद बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन उस पर डिस्कस करने से पहले मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है क्लासवर्क फ्लैश एक्सरसाइजेस और होमवर्क फ्लैश एक्सरसाइजेस। बच्चे जो शुरुआत में जो कंसंट्रेट करते हैं वो यहीं से कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पर देखिए लेवल नंबर लिखा हुआ है लेवल 1, तो लेवल 1 में बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें लेवल 1 में बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेवल 1 में टॉपिक नंबर भी दिया हुआ है। इस टॉपिक में देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये आपका लेवल 2 आ गया है। लेवल 1 में देखिए 108 टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपका लेवल नंबर दिया हुआ है, टॉपिक नंबर दिया हुआ है। टॉपिक क्या रहेगा? सबसे पहले तो बच्चे सीखेंगे कि जो नंबर्स हैं उसको कैसे काउंट किया जाता है एबकस टूल में। उसके बाद यहाँ पर देखिए गोल, आपको एटलीस्ट कितने आंसर्स यहाँ पर करेक्ट देने हैं। इनिशियल फ्लैश गैपिंग, जो फ्लैश आएगा मतलब नंबर्स के जो फ्लैश आएंगे उसके बीच में गैप्स कितने के होंगे। यहाँ पर हर तरह से सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया गया है ताकि बच्चे अपना फोकस, अपना कंसंट्रेट पूरी तरह से इस सॉफ्टवेयर में दे, ताकि बच्चे का कंसंट्रेशन पावर बढ़े, उसकी फोकस बढ़े और फोकस के साथ साथ उसका मेमोरी पावर भी बढ़े। क्योंकि जब मेमोरी पावर बढ़ेगा तो लर्निंग एबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। बच्चे जब कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे, लर्निंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उसका स्पीड्स भी बढ़ जाएगा। तो हर चीज़ यहाँ पर अगर देखा जाए, फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी और साथ ही साथ स्पीड और एक्यूरेसी, ये हर चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है थ्रू प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि इसमें कैसे बच्चे सीखते हैं। तो मैं लेवल 1 का फर्स्ट टॉपिक को ही बताने जा रही हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्लासवर्क लिखा हुआ है,
तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन टाइप लिखा हुआ है, रीड नंबर्स टिल 4। ये बेसिक है जिसमें हम लोग बच्चे को सिखाते हैं कि पहले बच्चा नंबर्स रीड करना सीखे एबकस में। तो एबकस टूल जो है यहाँ पर आपको वर्चुअल प्रोवाइड किया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर के सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूर रहते हो तब भी आप सीख सकते हो, आपके पास अगर समय नहीं है फिर भी आप अपने बच्चे को टाइम दे सकते हो। अब आपका बच्चा एबकस सीख सकता है अब घर बैठे। तो ये सॉफ्टवेयर इस तरह से ही डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन रीड नंबर्स, कैसे हम लोग बच्चे नंबर सीखेंगे। उसके साथ साथ एक और यहाँ पर ऐड है बेनिफिट्स की, यहाँ पर आपको टाइम मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा कि आपके बच्चे का स्पीड क्या है। यहाँ पर आपका गैप लिखा हुआ है 4 सेकेंड, मतलब हर एक नंबर के बाद यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, 4 सेकेंड का गैप आ रहा है। ये ऑटोमेटिक सेट है, आपको यहाँ पर टाइमर लगाने की ज़रूरत नहीं है। गोल जो होगा करेक्ट आंसर 10, और साथ ही साथ आप यहाँ पर जा कर के रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि अब क्या क्या आज एक्सरसाइज आपने किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे ही स्टार्ट करें देखिए ये वर्चुअल आ गया आपका एबकस टूल। यहाँ पर हमारा 1 बिट्स था, 1 बिट्स लिख दिए, और देखिए फिर से ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इस तरह से ही आपको 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे ही आप 10 क्वेश्चन का कंप्लीट कर लेंगे आपको अप्रिसिएट किया जाएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। तो चलिए इसे करते हैं और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए कंप्लीट हो गया आपका, यहाँ पर आपको आ गया है वेल डन कीप इट अप नेक्स्ट लेवल। नेक्स्ट लेवल पर क्लिक करोगे तो आप सेकंड लेवल में चले जाओगे। सेकंड लेवल मतलब एक्सरसाइज नंबर 2। तो इस तरह से आप का यहाँ पर यह आंसर्स भी आ गए हैं कि आपने करेक्ट किए हैं 10, रॉन्ग है 0। और नेक्स्ट लेवल क्लिक करेंगे तो आपका वो नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। अगर इसका रिकॉर्ड देखना है तो आप यहाँ पर जा कर के रिकॉर्ड देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ये रिकॉर्ड्स आ गया है कि आपने क्लास वर्क किया है। टॉपिक नंबर 1, स्टार्टिंग गैप इतना 4 सेकेंड का था, एंडिंग गैप आपका 3.8 सेकेंड का था, रिज़ल्ट आप पास हो गए, रॉन्ग हो गया है 0, और टोटल सम्स आपने 10 कंप्लीट किए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये होमवर्क है। इस तरह से बच्चे को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके आराम से यहाँ पर बहुत सारे शीट्स हैं, बच्चे यहाँ पर कर सकते हैं क्लास वर्क होमवर्क। सो सपोज़ मान लीजिए आपने स्टार्ट किया और आंसर्स आपने मान लीजिए यहाँ 2 बिट्स है और आपने 1 टाइप कर दिया और आपका आंसर गलत हो गया, तो आप यहाँ पर रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे को भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और बच्चा भी फोकस कर सकता है अपने काम पर, और इस तरह से उसका कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगा, लर्निंग एबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि उसको ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। उसका फोकस रहेगा कि मुझे करेक्ट आंसर देना है। यहाँ टाइम भी फिक्स्ड है, टाइम भी मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे यहाँ पर आराम से सीख सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर रीड नंबर टिल 4 है, रीड नंबर टिल 5 है। तो यहाँ पर बीट्स जो हैं एबकस टूल्स के जो बीट्स हैं उसके सारे नंबर्स को कैसे पढ़ा जाता है वो सिखाया जाता है। सबसे पहले लोअर बीट्स क्या है, अपर बीट्स क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको मेंटल भी है जिसमें आप यहाँ पर क्वेश्चन बोला जाएगा और आपको मेंटली उसका आंसर देना है, जो कि बहुत ज़रूरी। इस तरह से बहुत सारे हैं, तो इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए। थैंक यू।